हरे कृष्णा एंड गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, योर टुडेज क्लास फर्स्ट सब्जेक्ट इज हिंदी। आज की आपकी क्लास का फर्स्ट सब्जेक्ट है हिंदी। डियर स्टूडेंट्स, आपने हिंदी सब्जेक्ट में अक्षर अ अनार का, आ आम का, ई इमली का, ई ईक का, ऊ उल्लू का, ऊ ऊन का, ऋषि का, ए एड़ी का, यहाँ तक के अक्षर अपनी हिंदी की कॉपी में बनाना सीख लिए हैं। अब ए एड़ी अक्षर के बाद में कौन सा अक्षर आता है? अक्षर आई एन का। डियर स्टूडेंट्स, आज उसी अक्षर आई एन को हम हिंदी की कॉपी में बनाना सीखेंगे। सो ऑल ऑफ यू टेक आउट योर हिंदी सब्जेक्ट कॉपी। आप सभी अपनी हिंदी सब्जेक्ट की कॉपी निकालिए और उसमें हम अक्षर आई बनाना सीखेंगे। और कैसे? विदाउट डॉट। ये देखिए, ये है अक्षर आई, आई एन का। आपको यहाँ पर फर्स्ट लाइन में मम्मा या बड़ी भैया दीदी आपको फर्स्ट लाइन में अक्षर आई एन का बनाकर देंगे और आपको उसके बाद वाली लाइन स्किप करना है, छोड़ देना है और थर्ड लाइन से लिखना आपको स्टार्ट करना है। फर्स्ट लाइन में अक्षर आई लिखा है, सेकंड लाइन आपको छोड़ देना है और थर्ड लाइन में आपको लिखना शुरू करना है। ओके, सबसे पहले क्या करेंगे आप? एक स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे और यहाँ से एक स्लैंटिंग लाइन बना देंगे और फिर यहाँ से ऐसे कर्व लाइन बना के इसको मिला देंगे। तो ये क्या बन गया? अक्षर ए एडी का। लेकिन अक्षर ए एडी के ऊपर जब हम ऐसे ऐसे तिरछी लाइन खींच देंगे, एक मात्रा लगा देंगे, तो ये क्या बन जाएगा? आई एन का। सीधी लाइन, फिर तिरछी लाइन, कर्व लाइन से मिलाया, ऊपर एक आड़ी लाइन खींचकर उसके ऊपर तिरछी लाइन, इसको क्या बोलेंगे? मात्रा। मात्रा लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? आई एन का, आई एन का। ओके, आपको ऐसे बोलते भी जाना है, फिर इसके बाद वाली लाइन हम छोड़ देंगे और फिर से अगली लाइन में लिखना शुरू करेंगे और बोलेंगे आई एन का, आई एन का। डियर स्टूडेंट, पहले आप ए एडी का बनाइए और उसके ऊपर एक तिरछी मात्रा लगा दीजिए तो क्या बन जाएगा? आई एन का। ऐसे आपको लिखते जाना है और अक्षर को बोलते भी जाना है कि कौन सा अक्षर लिख रहे हैं। डियर स्टूडेंट, आज आपको हिंदी की कॉपी के वन पेज पर पूरा ऐसे आई एन का बनाना है, फिर सेकंड पेज पर भी सेकंड टाइम बनाना है। आज आप दो पेज पर अक्षर आई एन का बनाएंगे। डियर स्टूडेंट, ये आज आपका हिंदी का वर्क है जिसको आप कंप्लीट करेंगे और फिर मुझे सेंड करेंगे।